वो क्यों उठाई थी आपने? एक और डिसअपॉइंटमेंट। तो गाइस आज की वीडियो में होने वाला है एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मेन्यू, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्पित बाला के बारे में और इस घड़ी के बारे में, जो कि मेरे प्रीवियस दो वीडियोस से बहुत लोग पूछ रहे हैं कौन सी है, नई ली है, पुरानी, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको भी मैं दिखाऊंगा कौन सी घड़ी है। अभी फटाफट से जरा अपना प्लेटिंग कर लेते हैं, मैं भूल गया था लाइन। तो गाइस फाइनली दिस इज इट। जरा इस नज़ारे को देखो, क्या बेहतरीन लग रहा है। सबसे पहला आइटम है मेरे पास जोगन रोज चाप मसाला, शेफ स्पेशल में आता है ये भाई, दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। बीच में मैंने रखे हुए हैं कुरकुरे स्प्रिंग रोल, जिसके दो पीस अपन ने पीछे भी रखे हुए हैं। यहाँ रखा हुआ है ढेर सारा जीरा राइस, जिसके ऊपर रख रखा है मैंने मटकी पनीर बटर मसाला, पीछे खड़ी कर रखी है मैंने दो हरी मिर्चे, और भाई इसको खाने में आने वाला है मजा। जरा देखो इसको एक बारी। सेंटर में मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा बूंदी का रायता। ब्रेड्स की बात की जाए तो फिर मेरे पास है रुमाली रोटी, ग्रीन चिली पराठा और गार्लिक नान, जिसके लिए मैंने बोला था प्लीज इन्हें कट मत करना, लेकिन फिर भी उन्होंने कट कर दी। यहाँ है अपने दो पीस कुरकुरे स्प्रिंग रोल, थोड़ा सा सैलेड रख रखा है मैंने, इस साइड है गार्लिक मेयोनीज डिप, पनीर टिक्का शवरमा कबूस में, जो कि मंगा रखा मैंने फासोस से। और भाई आज रामनवमी है तो उसका थोड़ा सा मैंने प्रसाद भी रखा हुआ है यहाँ, ऑल दो हमारा था नहीं, हमारे गांव में ये काफी दूर के रिश्तेदार एक्सपायर हो गए हैं, ऑल दो हमने वो पूजा नहीं, लेकिन रामनवमी थी और इसके बिना मतलब इनकम्प्लीट लगता है मेरे को, तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला मेरे लिए तो थोड़ा सा बना दो। कर देते हैं आज का वीडियो स्टार्ट अपनी परंपरा के साथ। करते हैं भाई आज का वीडियो स्टार्ट पूरी चने और हलवे के साथ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। भाई सही में रुमाली रोटी की एकदम पतली बेहतरीन। मेन्यू की पूरी लिस्ट कितने का है कितने का नहीं है स्क्रीन में कहीं दिखाई दे गई होगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वैसे रोगन जोश होता है बट इन्होंने नाम रख रखा है इसका जोगन रोश। हाय हाय वाओ एक निरस इंसान के अंदर रस भर दे ऐसी चाप हो रही है भाई, बहुत ही बेहतरीन। मूड अपलिफ्टमेंट वाली जितने भी फूड आइटम्स होते हैं ना, जैसे बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि दो बंदे लड़ रहे थे, फिर बीच में एक बंदा आया, उसने उनको पिज्ज़ा दिया, पिज्ज़ा खिलाया, दोनों के दोनों ने पिज्ज़ा खाया और चल दिए। ये वो वाला आइटम है, किसी को खिला दो वैसे ही खुश हो जाएगा। ये रही चाप, एक बढ़िया सा बाइट, इसमें थोड़ा सा हम रायता भी डालेंगे। वाओ हरी मिर्च पराठे के साथ भी ट्राई करते हैं इसे। पंजाबी अंगीठी से मैं बहुत बार खाना मंगा चुका हूँ और अब मतलब ना वो वाला स्टेज आ चुका है जब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ट्रस्टवर्दी है। आप कभी भी खाना मंगाओ, कितना भी मंगाओ, कोई सा भी मंगाओ, टेस्ट की गारंटी है भाई, टेस्ट तो होगा ही होगा।
भाई एक बात माननी पड़ेगी, इन्होंने पनीर के पीसेस बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं भाई, विच इज गुड। यहाँ जगह बनाएंगे। यार देखो अपने ना वीडियो का जो जॉनरा है ना, इसमें काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ खाना हो, बातें बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ खाता रहे बंदा। और कुछ ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि यार कुछ बातें करा करो या ज़्यादा मत खाओ, दो चार बाइट खाओ, फूड का रिव्यू दो और बस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई पूरे वीडियो में बातें करो, अपने बारे में बताओ ये वो। तो काफ़ी अलग अलग तरह के लोग आते हैं भाई, जिनकी काफ़ी अलग अलग तरह की डिमांड्स होती हैं। वाह क्या लग रहा है। वो सारी डिमांड पूरी करना मुमकिन नहीं है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ये देखो तो देख के बताओ क्या टेस्टी लग रहा है। वो भी आया भाई, देखो ये पनीर मतलब अच्छा है बट ऐसा कुछ वाव फैक्टर वाली बात नहीं है इसमें। बट अगर भाई अपन इसका प्राइस देखें तो प्राइस के हिसाब से बहुत सही क्वांटिटी है, उस हिसाब से टेस्ट भी मेरे को डिसेंट लग रहा है। ये जो चाप है इसका भी प्राइस काफ़ी सही है। यह भाई पनीर शवरमा फासोस का कुबूस में। गुड। ओहो कुबूस ना इस ब्रेड को बोलते हैं, ये जो ब्रेड है बाहर की लेयर इसकी। मेडिटेरेनियन डिश है शायद से ये कुबूस। तो ये मटेरियल ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, खासियत इसकी ये होती है थोड़ा सा हेल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू मैदा। च्यू करने में भाई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, ईजीली च्यूएबल होता है। इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज डाल रखे हैं, पनीर डाल रखा है। टैंगीनेस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बट स्टिल बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है। अर्पित वाला पे आते हैं, घड़ी की बात तो चलो बाद में भी हो जाएगी एंड में। तो गाइज मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था अर्पित वाला के वीडियोस से प्रशांत ने। इनिशियली इतना कुछ मेरे को वो होता ना कि भाई एकदम से ग्रैब कर लेते हो तुम किसी चीज़ को, कि आप एकदम से ऐसे हो जाते हो कि यार हाँ इसके और वीडियोज़ भी देखना बनता है। तो वैसा कुछ तो नहीं हुआ था, ऑल दो यू गाइज नो कि मैं देहरादून से नोएडा, नोएडा से देहरादून अकेले आता जाता रहता था। तो एक दो बार मैंने अर्पित वाला के वीडियोस लगा दिए गाड़ी में ना, और ऐसे धीरे 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 करके बढ़िया लगने लगे मुझे उसके वीडियोस। तो निष्कर्ष बात का ये है भाई, बहुत ही तगड़ा उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। वो क्या करता है मैं आपको बता भी देता हूँ, वो लाइव स्ट्रीम में आता है और जो भी कॉमेंट्स आते हैं उन कॉमेंट्स पे वो बात करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, वो ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ क्रिएट करने का दम होना चाहिए। तो वो चीज़ करता है और वो प्रॉपर मतलब वो होती है बकैती, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एकदम लॉजिकल चीज़ ही बोलेगा या एकदम इलॉजिकल चीज़ ही बोलेगा, बट द वे ही कनेक्ट्स विद डिफरेंट थिंग्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एक सेकेंड है भाई, ये पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पंजाबी अंगीठी।
प्लस वो अपने वीडियोस में कुछ कुछ ऐसे टैगलाइंस बोल देता है ना कि उन टैगलाइन का मीम बन जाता है। अगर आप में से कोई भी अर्पित बालों को नाम से नहीं जानता है तो उसके चेहरे से जरूर जानता होगा, क्योंकि उसके चेहरे के बहुत मीम बन रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी बेइज्जती करने के लिए, वो यूनिवर्सल बेइज्जती के लिए होता है। देखना जरूर जिस किसी ने नहीं देखा, बट हाँ पहले बता दूं डिस्क्लेमर, गाली गलौच रहता है उसके वीडियोस में थोड़ा। और वो छोटी मोटी गाली तो देखो हर कोई इग्नोर कर सकता है, बट घर वाले नहीं करते, तो घर वालों के साथ कृपया ना देखें। वाह, रायता इसका टेस्ट एनहांस कर रहा है। उसने अभी एक अपना गाना भी लॉन्च करा। जी हाँ जी, दे दो माइक पे लाइट। ये गाना जब वायरल हुआ तो उससे पूछा गया कि भाई गाना आपका इतना वायरल हो चुका है, क्या कहना है आपका। उस बंदे ने इतनी सैवेज चीज़ बोली है ना इंटरव्यूअर को, उसने बोला कि गाना रिलीज़ करने से पहले मैं ये बोल चुका था कि ये गाना दिखा देगा कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की अभी क्या हालत हो रखी है। अगर मुझ जैसे बंदे का गाना, जो कि प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, अगर मुझ जैसा बंदा गाना बना जाता और वो वायरल हो जाता तो आप समझ सकते हो कि क्या स्टैंडर्ड हो चुका है अपना इंडस्ट्री का, म्यूजिक इंडस्ट्री का। ऐसी बात बोलने के लिए गट्स चाहिए। इतना डेप्थ में मेरे को उसके बारे में नहीं पता, तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो कृपया माफ करना। पनीर ना और है, लेकिन भानु भाई ने लास्ट टाइम ना मेरे को बहुत वो करा, बचा देता, थोड़ा बचा देता, तो पनीर थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए उनके लिए बचा देते हैं। प्लस ये भी अब ठीक है। बाकी रही बात घड़ी की, तो यार ये है भाई टिस्सों की PRX पावरमेटिक 80। अभी मेरा बर्थडे गया है रिसेंटली, तो ये मैंने खुद को गिफ्ट करी है। बहुत बढ़िया हो रहा है अल्टीमेट। तो जैक कोई या जैक चोई जो भी प्रोनाउंस करते हैं, वो बंदा अपने वीडियोस में पहनता था रॉयल ओक ऑडेमार्स पिकेट। मुझे पता भी नहीं है कि मैं उसको ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप गूगल करोगे AP रॉयल ओक तो वो घड़ी आएगी, और घड़ी देखना कितनी प्यारी है। प्लस उनके वीडियोज़ में ज़्यादातर फोकस उनके हाथों पर ही रहता था, तो वो घड़ी ना एक अलग ही तरह से डिस्प्ले होती थी भाई, एक अलग ही तरह से प्रेजेंट होती थी। ओए ओए ओए, टिसों की ये वॉच थोड़े बहुत उसी डिज़ाइन लैंग्वेज में बनी है। इसमें भी दो आते हैं, एक अपना नॉर्मल आती है टिसों की PRX और एक आती है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक है पावरमेटिक 80 नाम से। क्या टेस्ट करना है? चाप, पनीर, पनीर है, स्प्रिंग रोल, बूस। स्प्रिंग रोल कहाँ? अच्छा, सब स्प्रिंग रोल वहीं का है, पंजाबी अंगठे। मेरे को यही अच्छा लगता है, थोड़ा चाउमीन वाला। ये भी अच्छी हो रही है यार, सब्जी थोड़ा बट अच्छी हो रही है। हरी चटनी वाली मैंने खोली नहीं, खोलूँ? चल छोड़ रहे हैं दे, वो एज इट इज़ बहुत टेस्टी हो रहा भाई, ओरिजिनल टेस्ट मिलता है पता है, बिना चटनी चुटनी के साथ अगर ट्राई करो तो। सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चुई नहीं है यार, अंदर मसाला है, बढ़िया। थोड़ा ग्रीन चिली पराठा दीजिएगा उसके साथ, बड़ा हो गया बाइट थोड़ा। हाँ भाई आपके लिए किया।
ग्रीन चिली बनाना उसका। चाप भी बहुत बढ़िया है। चाप तो गजब है। पनीर ना करूँ टेस्ट? इतना कुछ खास नहीं हो रहा कि आप ऐसा है। हाँ नहीं, ट्राई करना बनता है ना भाई। सलाद वलाद नहीं आया क्या? खा लिया मैंने। वाओ फैक्टर नहीं है। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो टेस्टी नहीं है, टेस्टी है, ऑर्डिनरी है। सिंपल पनीर का जैसे बटर मसाला वाली ग्रेवी लग रही है तो सिंपल, बट अच्छा है। अच्छा है, मुद्दा ये है कि उसमें लिखा था मटकी पनीर बटर मसाला, तो मुझे लगा थोड़ा अलग होगा, बट मटकी में बना दिया बस। वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ब्रेड्स। इसमें आलू भी है, इसमें फ्रेंच फ्राइज है। मेरे को इसमें आलू अच्छे नहीं लग रहा, पके नहीं है, आलू थोड़ा कच्चा है। तुमने मसाला नहीं यूज किया इनका मेन चीज में? किस में यूज करना था ये? रोल पे डाल के। अरे नहीं, मेरे को आज तक नहीं समझ आया कैसे कर लो इस आखिरी बाइट में यूज। अब तो बचा ही क्या यार, मेरे को तो बढ़िया लगा रोल, बट बस मेरे को वही चीज उसका समझ नहीं आई कि पनीर शवरमा में फ्रेंच फ्राइज डालने का इतना कुछ वो था नहीं, जरूरत था। बहाने भैया को थोड़े से आलू कच्चे लगे इसमें, मुझे भाई अच्छा लगे नहीं है। रायता भाई, रायता तो पिया ही नहीं आपने? एक कटोरी है, दो निकाल के। एक कटोरी रायता है भाई। रिफ्रेशिंग है काफी ज्यादा रायता है। उसमें वो डाल रहा ना भुना हुआ जीरा। जीरा। वी जस्ट होप आप लोगों को आज का मकबैंग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड I'll catch you guys on to the next one. बाकी भानु भाई कल जा रहे हैं मुंबई। Yes. मुंबई के कुछ खाने की फोटोज भेजते रहना। Peace. अगर आऊंगा तो। वो क्यों उठाई थी आपने? मेरे को एक और disappointment.